हेलो हाय एवरीबॉडी, माय सेल्फ डॉक्टर आर एन चव्हाण, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी, एमजी कॉलेज अरमुरी, डिस्ट्रिक्ट गढ़चिरौली। हेलो बच्चों, आप कैसे हो? तो चलिए, आज हम आपको जेनेटिक्स का पहला यूनिट पढ़ाएंगे, दैट इज़ मेंडेल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हु इज़ मेंडेल? ही इज़ अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन 1840 ही एंटर्ड द ऑगस्टिन मॉनेस्ट्री ऑफ ब्रून, Australia, where he gave the name that is Gregor. In 1856, he began to collect the numerous variety of garden pea, that is the Picum sativum. He experimented with the garden pea plants and he noticed pattern in the pea plants like ratio 1:1 ratio and 1:3 ratios. These ratios give him ideas about the alleles and give postulate his law of inheritance in 1865. He is also known as a man of science, man of gods. Man has known from the early times that characteristics could be transmitted from one generation to the next generation. However, it is comparatively recently that the foundation of modern genetics were laid down. He made a systematic study of the transmission of hereditary characters in the garden pea, that is the Picum sativum. He also established the inheritance of paniculate, which carried by the particles, or that is also known as effectors, or simply it is known as a genes. In 1865, he presented the result of his experiment in paper entitled Experiment in Plant Hybridization at the meeting of the Natural History Society of Brno. His work was published in 1866 in the Proceeding of Society. Mendel's work was, however, far ahead of the time, and he was unrecognized when he died in 1884. Then three botanists, Hugo de Vries, Carl Korein, Erich von Chermak, independently discovered Mendel works in 19th century, that means 35 years later after presentation from the Proceeding of Natural History of Brno in 1866. इस तरह से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जॉर्ज ग्रेगर मेंडेल को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ये हमारे फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है। इन्होंने क्या किया, इस बंदे ने 1856 को Picum sativum, गार्डन पी प्लांट्स पर अपना एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया, और एक्सपेरिमेंट में बताया कि द जीन्स विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन लेके दूसरे जनरेशन में जीन्स ट्रांसफर होते हैं, लाइक बिगेस्ट लाइफ, जैसे हमारे फादर मदर रहेंगे वैसे ही सेम कैरेक्टर्स हमें भी आते हैं, ये इन्होंने बताया। और उन्होंने अपना पेपर एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इस नाम से, इस टाइटल से, वो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रून में उन्होंने पढ़ा है, और उस प्रोसीडिंग में वो पब्लिश भी हो गया। पब्लिश हुआ कब? 1866 में। 1865 में उन्होंने उनको रीड किया, एंटाइटल किया और पब्लिक प्रेजेंट किया। वो 1884 में वो उनका देहांत हो चुका, तो भी इनका वर्क अनरिकग्नाइज था, इनके वर्क्स वाज अनरिकग्नाइज व्हेन ही डाइड इन 1884। फिर तीन बंदे आ गए जो हमारे सामने वो फोटोज दिखाई देते हैं। पहला है ह्यूगो डी व्रीज, दूसरे है कार्ल कोरेन्स, एंड तीसरे साइंटिस्ट है हमारे एरिच वॉन चर्मैक। इन तीन बॉटनिस्ट ने क्या किया, मेंडेल के लॉ को रीडिस्कवर्ड किया, और मेंडेल को लॉ को डिस्कवर्ड किया और बताया कितने साल के बाद, 35 ईयर्स लेटर,
35 सालों के बाद उन्होंने रीडिस्कवर किया, दैट मीन्स इन 19th सेंचुरी इंडिपेंडेंटली डिस्कवर द मेंडल वर्क्स बाय ह्यूगो डिवराइज, कार्ल कोइन, रिच वॉन चरमैक। इतने बातें आपको समझ में आना चाहिए, आ गई होंगे। आज के टॉपिक्स में हम आपको सिर्फ और सिर्फ मेंडल क्रॉस, फर्स्ट दैट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने दो क्रॉस आपको दिए हैं, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइब्रिड क्रॉस। पहला क्रॉस है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन्स व्हाट? अ क्रॉस इज बिटवीन टू इंडिविजुअल्स डिफरिंग वन कैरेक्टर्स पेयर। मतलब जो कैपिटल टी टी क्रॉस विथ स्मॉल टी टी, मतलब टॉल वेराइटी क्रॉसेस विद द डॉर्फ वेराइटी। इस हिसाब से उन्होंने अपना क्रॉस बताया और आपके सामने उन्होंने एक्सप्लेन किया। और आज हम कोशिश करेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसा होता है, कैसे किया जाता है, क्या आउटपुट्स मिला है, क्या मोनोहाइब्रिड्स में हम कैसे करते हैं, कैसा कैसा कौन सा रेशो मिलता है, सब बातें हम आज के आपके इस वीडियो में आपको हम समझा के देने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और उसे शेयर भी कर दीजिए। और हमारे अगले वीडियोस आपको मिलना चाहिए तो इसलिए आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, द स्टेप्स फॉर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज, फर्स्ट स्टेप्स क्या है? टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द पर्सन। सेकंड स्टेप्स क्या है? सेटिंग अप द पुनेट स्क्वायर। थर्ड स्टेप्स है टू डिटरमाइन द ऑफस्प्रिंग रेशियो। ये तीन स्टेप्स आपको फॉलो करना है। पहली स्टेप्स है टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द पर्सन, मतलब उसके जीनोटाइप्स क्या है। मतलब टॉल वेराइटी है तो उसके जीनोटाइप्स कैपिटल टी टी, डॉर्फ वेराइटी है उसके जीनोटाइप्स स्मॉल टी टी। इसके हिसाब से हमने जीनोटाइप फाइंड आउट किया और फाइंड आउट करने के बाद वो टॉल वेराइटी क्रॉस विथ डॉर्फ वेराइटी किया तो क्रॉस आने के बाद F1 जनरेशन मिलने वाला है। F1 जनरेशन में आने के बाद उसका सेल्फिंग करना है। सेल्फिंग करने के बाद उसके जो भी गैमेट्स मिलेंगे, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, उसे हम क्या करेंगे, सेल्फिंग करने के बाद उस सेल्फ में वो पुनेट स्क्वायर में रखेंगे। यहाँ तक हमारे मेंडल्स आ चुके थे और पुनेट ने उन्हें हेल्प किया कि तुम्हें ये जो तुम्हारा जो क्रॉस कर रहे हो तुम्हें जो वेराइटीज़ मिल रहे हैं तो इस वेराइटीज़ को आप हमारे स्क्वायर का उपयोग कीजिए। पुनेट स्क्वायर उन्होंने 14 स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर बताया, बाद में 16 स्क्वायर में बताया। उस डबल है डायब्रिड रेशियो के लिए 16 स्क्वायर है और 4 काय के लिए है, आपके मोनोहाइब्रिड रेशियो के लिए। 4 स्क्वायर वाला पुनेट स्क्वायर का यूज़ करो और उसे आप कैलकुलेट कर दो और आप फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग। फिर तीन स्टेप्स हम फॉलो करना है। तो देख लीजिए, ये 7 कैरेक्टर्स है स्टडीड बाय द मेंडल। दीज आर द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ट्रेट्स ऑफ द पी प्लांट्स स्टडीड बाय द मेंडल। पहला है सीड, फ्लावर, पॉड एंड स्टेम। ये चार प्रकार के जो पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स है। स्टेम का क्या है, फॉर्म कैसा है, राउंड है, रिंकल्ड है। कॉटिलीडन कैसा है, येलो कलर है या ग्रीन कलर है। देन फ्लावर का कलर वाइट कलर है, वायलेट कलर है। रॉड पॉड का कलर, फॉर्म कैसा है, फुल है, कॉन्सिक्रेट है, ग्रीन कलर का है या येलो कलर का है। द प्लेस, स्टेम का प्लेस कैसा है, एक्सियल पॉड्स है, टर्मिनल पॉड्स है। साइज कैसा है, टॉल है, शॉर्ट है। ये सब 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हम अभी उनके ये जो मेंडल ने दिए हैं इन्हें हम पढ़ चुके हैं। हम बता है ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल मैन, ही फाउंड सक्सेस इन द मेंडल, ही फाउंड सक्सेस इन टू द जेनेटिक्स। मेंडल्स का क्रॉस हम बताएंगे। यहाँ पर टॉल वेराइटी दिखाई देती है कि टॉल पी प्लांट्स देन डॉर्फ पी प्लांट्स स्टेम के हाइट्स के हिसाब से। ये पहला वाला जनरेशन क्या है, दैट इज द पेरेंट जनरेशन। इसमें जीनोटाइप दिया है कैपिटल टी टी क्रॉस विद स्मॉल टी टी। फिर उसमें से जो गैमेट्स मिले हैं कैपिटल टी टी में से एक स्मॉल कैपिटल टी मिला है, प्योर डॉर्फ में से स्मॉल टी मिला है। फिर वो कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या कर दिया, हाइब्रिड हो गया, वो मोनोहाइब्रिड बन गया, मोनोहाइब्रिड टॉल हो गया, वो मोनोहाइब्रिड टॉल, टॉल मोनोहाइब्रिड वेराइटीज़, दैट इज़ द F1 जनरेशन।
फिर एफ वन जनरेशन में से तो कैपिटल टी स्मॉल टी और उसे सेपरेट कर दिया, उसके गैमिट्स सेपरेशन किया, टाइप्स ऑफ गैमिट्स मिल गया आपको, कैपिटल टी मिल गया, स्मॉल टी मिल गया, उसका फिर सेल्फिंग किया, इनब्रीडिंग किया, उसे हम बोलेंगे कि सेल्फिंग एंड इनब्रीडिंग के करने के बाद एफ टू जनरेशन मिलने वाला है। एफ टू जनरेशन में क्या है, मेल गैमिटो मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स, कैपिटल टी स्मॉल टी दीज आर द मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स आल्सो कैपिटल टी स्मॉल टी, उनका किया क्रॉस किया, इनका चेकर मतलब चेकर स्क्वायर पुनेट स्क्वायर्स और चेकर बोर्ड बोलते से इस पुनेट नाम के साइंटिस्ट ने उन्हें हेल्प किया है। तो हमें क्या मिलेगा है, कैपिटल टी क्रॉसेस विद द कैपिटल टी देन यू गेट कैपिटल टी टी, देन ये जो कैपिटल टी मेल का है उन स्मॉल टी के साथ क्रॉस कर दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। फिर सेकंड वाला कैपिटल स्मॉल टी है और ये जो स्मॉल टी है ये स्मॉल टी इस ये कैपिटल टी के साथ क्रॉस करने के बाद कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। हम पहले स्मॉल टी और बाद में कैपिटल टी ऐसा कभी लिखते नहीं है, अगर लिखा तो भी कोई फर्क नहीं गिरता, लेकिन जो लिखने की जो लैंग्वेज है कैपिटल टी स्मॉल टी होना ज़रूरी है, क्योंकि पहला डोमिनेंट आना चाहिए, दूसरा रिसेसिव आना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको मिल गया कैपिटल टी टी एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी के दो मिल गए और स्मॉल टी तीन मिल गए, मतलब टॉल वेराइटी आपको आपके आँखों से दिखाई दे रहे हैं कि थ्री आर टॉल एंड वन इज डॉर्फ, ये आपके आँखों से दिखने वाला जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड द फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा बच्चों, तो फिनोटिपिक रेशियो होगा 3:1, जो आपके आँखों से दिखता है। यहाँ पर क्या दिखता है, कैपिटल टी टी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी इज ऑल्सो नोन एज ए टॉल। तो कैपिटल टी का एक है, कैपिटल टी टी वाला एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले के दो है और स्मॉल टी का एक है, मतलब क्या हुआ, थ्री टॉल्स एंड वन डॉर्फ, मतलब फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1। एंड देन जीनोटिपिक रेशियो आपको आपके सामने है, जीनोटिपिक रेशियो मतलब क्या दिखाई देगा आपको, कैपिटल टी टी का वन है, कैपिटल टी स्मॉल टी के दो है और स्मॉल टी के एक है, तो फिर उसका जो जीनोटिपिक रेशियो ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज 1:2:1, ये आपका रेशियो है, ये मोनोहाइब्रिड रेशियो है। इस हिसाब से टॉल वेराइटी इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर द रेसिसियो डॉर्फ। देख लीजिए कैपिटल टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी के दो है एंड स्मॉल टी के वन है, कैपिटल टी अगर स्मॉल टी टी के साथ अगर क्रॉस करते हो तो इस प्रकार से आपको एफ टू जनरेशन आने वाला है। फिनोटिपिक रेशियो आपका रहेगा 3:1, जीनोटिपिक रेशियो रहेगा 1:2:1। और इसको हमने इसे पूछे चेकर बोर्ड में दिखाई देता है, इट इज़ द नेम्ड आफ्टर द रेजिनाल्ड सी पुनेट हु डिवाइस द अप्रोच इन 1905। द डायग्राम इज यूज बाय द बायोलॉजिस्ट टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑफस्प्रिंग हैविंग अ पर्टिकुलर जीनोटाइप। द पुनेट स्क्वायर इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, विजुअल है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पुनेट स्क्वायर का आपको हेल्प मिली है, तो इसलिए थैंक्स टू पुनेट। कैन वी डिटरमाइन द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द जेनेटिक क्रॉस, यस डूइंग द जेनेटिक क्रॉसेस यूजिंग द पुनेट स्क्वायर वी कैन डिटरमाइन। पहला देख लीजिए फीमेल गैमेट मेल गैमेट दिया है, पहले इसमें क्या दिखाई देता, स्मॉल ए क्रॉसेस विद द स्मॉल ए, मतलब क्या मिल गया आपको, स्मॉल ए स्मॉल ए मिल गया। फिर दूसरा क्या, दूसरे इसमें देख लीजिए दूसरे डायग्राम में स्मॉल ए एंड कैपिटल ए इनका क्रॉस हो गया, आपको मिल गया कैपिटल ए स्मॉल ए मिल गया। तीसरे यहाँ पर जाइए तीसरे डायग्राम में आपको मिलने वाला है कैपिटल ए एंड स्मॉल ए मिल गया, और चौथे इसमें जाएंगे आपको कैपिटल ए का क्रॉस हुआ, कैपिटल ए ए मिल गया। फिर पूरा आपका आपका अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या पुनेट स्क्वायर में दिखेगा, कैपिटल ए ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए, चार जो स्क्वायर है उस चार स्क्वायर में एक कैपिटल ए ए वाले हैं, दो कैपिटल ए स्मॉल ए है और एक दैट इज स्मॉल ए, मतलब एक होमोजाइगस टॉल है, दो हेटरोजाइगस टॉल है और एक होमोजाइगस रिसेसिव है।
इस प्रकार से हमें इनका क्रॉसिंग मिल गया। तो जेनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो इज नॉट द सेम। फिनोटिपिक रेशियो मीन्स एक्सटर्नल रेशियो वी कैन सी इट इज अ विजिबल बाय द नेकेड आई, दैट इज द 3:1। एंड जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1, दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर लेट अस प्ले द टी रिप्रेजेंट द एलील फॉर द टॉल प्लांट्स दैट इज डोमिनेंट एंड द स्मॉल टी विच रिप्रेजेंटेड द एलील फॉर द डॉर प्लांट्स रेसेसिव। टॉल प्लांट क्रॉस कर दिया कैपिटल टी टी और स्मॉल टी स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी। प्योर ब्रिड टॉल कैपिटल टी टी, होमोजाइगस टॉल कैपिटल टी टी, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट्स कैपिटल टी स्मॉल टी, डॉर प्लांट स्मॉल टी स्मॉल टी। आपको इसे शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और आगे बढ़ना है। और से नोटिफिकेशन मिलने के लिए हमें जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।